इसलिए यहां पे 75 है आपका मैट्रिक्स। किताब का देखें अगर कि सिलेबस तो हम लोगों का एनसीईआरटी ही है, तो उसमें एनसीईआरटी में तीसरा यूनिट है। एनसीईआरटी का कौन सा यूनिट है? तीसरा यूनिट है मैट्रिक्स। हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स है क्या? तो सजावट है, एक आयताकार आकृति में, आयताकार आकृति से भी बढ़िया, पंक्ति और स्तंभ में संख्या का सजावट है। अब पंक्ति और स्तंभ को ऐसे समझिए, आप पुलिस वगैरह के बहाली में आप जाते हैं, बहुत बढ़िया खड़ा करता है, खास करके एयर फोर्स वगैरह के बहाली में, उसमें क्या करता है एकदम कतार में, या 26 जनवरी वगैरह को जो झंडा वगैरह फहराया है परेड, बड़ा सबका स्टेप्स बनाया हुआ रहता है, तो उसमें रो माने पंक्ति और कॉलम में सजावट किया हुआ रहता है आदमियों का, तो वस्तुओं का, आदमियों का, यहां मैथमेटिक्स है तो संख्याओं का, संकेतों का, फलनों का, कोई भी हो, एनीथिंग, अगर उसको हम पंक्ति और स्तंभ में सजा दें तो उस सजावट का नाम क्या है? मैट्रिक्स है। चूंकि यह सजावट है इसलिए इसका मान नहीं निकलता है। तो आइए डेफिनेशन पहले इसका हम समझ लेते हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो आखिर क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी होता है परिभाषा। मैट्रिक्स है क्या? लिख देंगे कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर माने आयत होता है और रेक्टेंगुलर माने आयता का एरे, ARRAY, एरे माने आकृति। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, संख्याओं का। अब संख्या बोले तो इसमें सब आ गया, रियल एंड इमेजिनरी, आयोटा पढ़े है ना, तो रियल हो या इमेजिनरी हो, जैसे कोई अंक ले ले, 7 ले ले 5 ले ले -3 ले ले या 2 आयोटा ले ले 3 आयोटा ले ले ऐसे करके, माने वास्तविक हो या काल्पनिक हो। मैट्रिक्स क्या है? आयताकार आकृति है संख्याओं का, संख्या में वास्तविक या काल्पनिक ले सकते हैं, नंबर्स और सिंबल्स, सिंबल्स कोई भी संकेत, जैसे ए बी सी ऐसे करके कोई भी संकेत, या फंक्शंस, कोई फंक्शन भी इसमें हम ले सकते हैं, फंक्शन में जैसे साइन एक्स, लॉग एक्स, ई के पावर एक्स और भी बहुत सारा। तो यहां दिखाया कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या सिंबल या फंक्शन। मैट्रिक्स है क्या? तो आयताकार आकृति है संख्याओं का या संकेतों का या फलनों का। इट इज डिनोटेड बाय एक लाइन और लिखे तो और बेहतर होगा। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल या फंक्शन इन रोज एंड कॉलम्स। अब सुनिए, रो माने पंक्ति होता है, कॉलम माने स्तंभ होता है, पंक्ति और स्तंभों में संख्याओं, संकेतों या फलनों की आयताकार आकृति मैट्रिक्स होता है। इसका हम हिंदी लिख दे रहे हैं पहले, फिर बात करेंगे। एक लाइन और यहां अट सकता है तो
इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एबीसी से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा कैपिटल एबीसी से इसको डिनोट किया जाता है। एक कंप्लीट डेफिनेशन बना, इसका हिंदी देख लेते हैं। पंक्तियों तथा स्तंभों में संख्याओं, संकेतों संकेतों या फलनों का सजावट आयताकार आकृति में हो, आयताकार आकृति में हो तो यह आव्यूह होता है, इसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं, आव्यूह, यही आव्यूह होता है, सजावट है संख्या का। कोई पूछे शॉर्टकट में कि मैट्रिक्स है क्या, तो संख्या सजावट है, वस्तु का सजावट है। किसमें? पंक्ति और स्तंभों में, पंक्ति और स्तंभों में। इसे ए बी सी डॉट डॉट आदि से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है कैपिटल एबीसी आदि से इसको सूचित किया जाता है। परिभाषा में कहीं कंफ्यूजन है? आयताकार आकृति में सजाना है, और नंबर में भी बता दिया कि वास्तविक काल्पनिक कुछ भी उतार सकता है, कोई सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन किसमें सजा हुआ होना चाहिए? रो और कॉलम में, एबीसी आदि से इसको हम सूचित करते हैं। अच्छा, अब सुनिए, नोट में एक बात देखिए। ए रेक्टेंगुलर एरे इज रिटेन एज, जो आयताकार आकृति हम बोल रहे हैं उसको हम लिखेंगे कैसे? आयताकार आकृति को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अब सुनिए, इसके लिए अलग अलग सिंबल है, या तो आप बिग ब्रैकेट से लिखो बड़ा कोष्ठक के अंदर, या स्मॉल को भी लिखेंगे तो उसको तनिक बड़ा बना के लिखेंगे, या डबल लाइन के अंदर, डबल लाइन के अंदर संख्या को सजाएंगे। ये तीनों मैट्रिक्स का ही सिंबल है। अगर यहां सिंगल लाइन से लिखेंगे तो सिंगल लाइन मैट्रिक्स नहीं होता है, कौन सी हो जाता है? डिटरमिनेंट हो जाता है। अभी हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर में, इसमें मॉड और नहीं है, मॉड अलग चीज हो गया, डिटरमिनेंट का भी मॉड की तरह ही संकेत होता है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में ही संख्या को लिखते हैं तो डिटरमिनेंट होता है। तो सिंगल लाइन से लिखेंगे तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, और डबल लाइन के अंदर अगर संख्या को लिखें तो क्या हो जाएगा? यानी मैट्रिक्स में जो हम आयताकार आकृति का इस्तेमाल करने वाले हैं वो इसी में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ज्यादा पॉपुलर ही है, अधिकतम किताब में यही मिलता है।
लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस साल ई वाला पद को क्वेश्चन दे दिया था, तो ये हैबिट भी अब इसके हैबिट बनाने के चक्कर में ही नहीं भूल जाएगा। अब बहुत बच्चे इसको डिटरमिनेंट बना के सॉल्व किया, लेकिन डिटरमिनेंट नहीं है, कौन सी है, मैट्रिक्स है। ये सब गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम। चलिए हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया मैट्रिक्स का डेफिनेशन, लिखित रूप से भाषा के रूप में परिभाषा हो जाए। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम कुछ संख्या को सजा रहे हैं, 2, 5, 6, 9 आयताकार आकृति में सजाए हैं संख्या को, कोई मैट्रिक्स है, किससे सूचित किए हैं, कैपिटल ए बी सी आदि से इसको सूचित कर सकते हैं। इसमें पूछे रो कौन है, फर्स्ट रो है, आर वन है, आया समझ में नहीं, रो माने पंक्ति होता है, ई आर वन है, पहला पंक्ति ई आर टू है, और ये हमारा सी वन है, पहला कॉलम सी टू है। तो रो का मतलब आप जान गए होरिजेंटल लाइन, और कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन। इस बात को यहां हम लिखेंगे कि कहीं भी हैशटैग लगा के लिख रहे हैं कि रो का मतलब क्या समझना है। रो का हिंदी होता है पंक्ति, और ये बोलते हैं होरिजेंटल लाइन को, होरिजेंटल लाइन। क्षैतिज रेखा ये होरिजेंटल लाइन हुआ, ये रो हो गया, और कॉलम अगर हम कहें, कॉलम का हिंदी स्तंभ होता है, कॉलुमन है, लेकिन एम साइलेंट रहता है, एम साइलेंट रहता है, कॉलम पढ़ते हैं। कॉलम किसको कहेंगे, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलेंगे। इसका हिंदी होता है उदग्र रेखा। क्लियर। अब चलिए एक एग्जाम्पल आपसे, एक एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें बताइए कितना रो है, 1, 2, 3 कितना रो है इसमें, तीन वाले का तीन सुन लिए, नहीं वाले का नहीं सुन लिए, कुछ और सुनना चाह रहे हैं तो लोग दुबारा खाली इसी पर अगले को। रो इसमें तीन को है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। हॉरिजॉन्टल तीन को बन सकता है, अब वर्टिकल एक को है, तो इसमें रो का संख्या तीन होगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे सिंगल एक कॉलम, कॉलम का संख्या एक हो जाएगा। तो कंफ्यूजन अभी भी कुछ कुछ है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी सी साइन एक्स लॉग एक्स ई के पावर एक्स, ये भी तो मैट्रिक्स ही है, पूछेंगे तब जवाब दिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, हल्ला कम होगा, फिर जवाब भी हमको मिल जाएगा। नंबर ऑफ रोज पूछे नहीं है, अभी लिखें। पंक्ति का संख्या बताइए कितना है, दो है। हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेना है कि कितना है, दो है। और नंबर ऑफ कॉलम्स,
कॉलम का संख्या बताओ, तीन होगा। C1 है, C2 और C3। क्लियर? अब सुनिए, एक और एग्जांपल दे रहे हैं। आयोटा, 5 आयोटा -7/3। इसमें आपको सोचकर गलती नहीं करना है, पूछे तब बोलना है। हिदायत कोई नहीं देती है, बिना पूछे बोलना। सुनिए, रो का संख्या बताइए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, रो का संख्या 1। नंबर ऑफ कॉलम 3 कॉलम है, C1 C2 C3। ठीक है, बात समझ गए। मैट्रिक्स के बारे में बताया कि सजावट है, तो मान तो इसका नहीं निकलेगा। इसी बात को नोट में लिखना है, द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेंड, मैट्रिक्स का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी आव्यूह का, चूंकि सजावट है, सजावट का तो कोई अंक में मान निकलेगा नहीं, आव्यूह का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आव्यूह का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेंड, आव्यूह का मान प्राप्त नहीं, ऑब्टेंड माने प्राप्त करना होता है। अब इस बात को एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। जैसे कोई मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस मापांक, इसका मान निकल जाता है कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में संख्या को लिखते हैं, मॉड, इसको मॉडुलस 5 पढ़ेंगे या मॉड 5 पढ़ेंगे, इसका तो 5 हो जाता है, -5 का मॉडुलस, इसका मान निकल जाता है। ये भी एक सजावट के अंदर, यानी दो वर्टिकल लाइन के बीच में है, लेकिन इसका मान निकल जा रहा है और वर्टिकल लाइन हट जा रहा है। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, तो अगर कहीं पे मैट्रिक्स 7 लिखा हुआ है और चीना हटा के 7 लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मान नहीं निकलता, सजावट है, आयताकार आकृति में ही रहेगा, तो सवाल भी आयताकार आकृति में होगा। अब बनाते बनाते लास्ट में आंसर भी आता है ना, वो भी आयताकार आकृति में ही आता है, एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं निकलता है। बात समझ में आया? मॉडुलस से इसका मान निकल जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स का मान नहीं निकलेगा। क्लियर? अब सुनिए, एक और छोटा सा टॉपिक है, पहले आप देख लेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर माने कोटि होता है, कोटि। जैसे हम अगर बाजार में जाते हैं, कोई बेड खरीदना है, चौकी हो या पलंग खरीदना है, हमको साइज बताते हैं ना वहां पे जाके, कितना बाई कितना बोलते हैं, 4x6 या 6x6, ऐसे करके बड़ा से बड़ा पलंग लोग बनवा रहा है। अच्छा, मान लो आप विद्यार्थी हैं, आप कम दाम का चौकी ही बनवाने गए, तो 4x6 बोले आप मिस्त्री से, आप कहते हैं कि 4x6, मिस्त्री कैसे लिखता है, 4x6 लिखता है गुना में, लेकिन वो भी पड़ता है 4x6,
जो पढ़ा लिखा मिस्त्री नहीं भी है वो भी अंग्रेजी बोलता है, चार बाई छ, चार बाई छ। अभी चार बटा छ नहीं समझिएगा इसको, चार बाई छ यानी गुना में लिखा हुआ है, चार गुना छ ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, गुना नहीं है, गुना रहता तो चौबीस हो जाता। अब जाके मिस्त्री से बोलो कि हमको चौबीस का चौकी चाहिए, पता नहीं चलेगा कि चौबीस चार बाई छ का कह रहे हैं आप, ये आठ बाई तीन का कह रहे हैं तो, या कि बारह बाई टू का कह रहे हैं, आपको टेबल बनवाना है कि क्या बनवाना है। तो केवल ई कहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए गुना नहीं है। किसी चीज का डायमेंशन लिखना हो, उसके लंबाई और चौड़ाई को लिखना हो तो गुना करके ही लिखा जाता है, लेकिन पढ़ते हैं उसको कितना, चार बाई छ। वैसे ही मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या है तो मैट्रिक्स भी दो बाई चार का हो सकता है, चार बाई छ का हो सकता है, चार गुणो छ को कॉलम, दो बाई दो का हो सकता है, दो गुणो दो को कॉलम। तो जिस तरह से आप डायमेंशन किसी वस्तु का बताते हो लंबाई चौड़ाई, वैसे ही इसमें रो और कॉलम के संख्या को गुना के रूप में लिखते हैं, लेकिन उसको गुना पढ़ते नहीं है। दो गुना दो पढ़ते हुए खत्म बजाओ खत्म, दो बाई दो उसको हम लोग एक नया नाम दे दिए, ऑर्डर। ऑर्डर मैंने कोटि, यानी ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, इसका हमको ऑर्डर लिखना है विद्यार्थी। तो पहले रो देख लीजिए, पहले रो लिखाता है फिर कॉलम लिखाता है, तो रो का संख्या दो है। अब कॉलम देखेंगे, कॉलम सी वन सी टू सी थ्री, यानी तीन रो कॉलम हो। इसको हम यहां लिख दे रहे हैं रीड एज, पढ़ा जाएगा टू बाई थ्री, दो गुना तीन इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से ऑर्डर लिखने आ जाएगा वो, हाँ देखो पढ़ने में कितना बेचैन है, इतने में जब भाई भाई मार देगी रहने दीजिए। टू साइन एक्स ई के पावर एक्स लॉग एक्स, इसका ऑर्डर बताना है बहादुर। वन बाई फोर, इसमें एक रो है, एक रो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सी वन सी टू, तो ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, वन बाई फोर। ठीक है,